हेलो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं 20 नवंबर 2018 की डेली एमसीक्यू सीरीज की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज उसको तो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली आया है अर्थ के लेयर के बारे में। क्वेश्चन ये है कि अर्थ के गर्भ की कौन सी परत है जो तरल अवस्था में पाई जाती है या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ज्योग्राफी के लिए। हम बात करें तो बेसिक ज्योग्राफी में आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। तो पहले हम थोड़ा इसके बारे में क्वेश्चन से डिटेल से देख लेते हैं। देखो आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली तीन चीज़ों से बनी हुई है, तीन पार्ट हम बोल सकते हैं, तीन लेयर हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि भूपर पट्टी होती है जिसपे हम लोग रहते हैं वो होती है क्रस्ट। जो खेती वगैरह होती है वो सारा काम इसी पे होता है। इसके बाद में जो अंदर की कोर अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल। तो ये ध्यान रखना कि जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है मेंटल, ठीक है। और थर्ड लेयर जो अंदर की साइड होती है उसको बोलते हैं बेसिकली कोर। अब देखो कोर है ना वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है इनर कोर जो आप ये देख रहे हो बीस वाला, ये जो इनर कोर है ना जो आपको दिख रहा है ये तो है बेसिकली, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो है एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इनर कोर है वो तो होती है हमेशा सॉलिड फॉर्म में, जबकि इसके साथ में जो आउटर कोर होती है ये होती है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में। अब आपको एक चीज़ समझ में आनी होगी कि भाई ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है। देखो ये लिक्विड फॉर्म में इसलिए होती है क्योंकि इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एक तो अंदर से प्रेशर होता है और एक बाहर मेंटल से भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इस पे होता है। इसी के साथ क्या होता है, देखो हमारी जो मेंटल है ना इसमें जो यूरेनियम जैसे तत्व है ना वो पाए जाते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व है या रेडियो धर्मी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर कोर वाला जो हिस्सा है ना ये पिघला हुआ होता है, तो इसलिए ये आउटर कोर वो पिंगली हुई होती है। तो इसके बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है। तो इसने पूछा कि कौन सी लेयर है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ऑब्वियसली आउटर कोर इसका आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली है कि महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुले हुए आयन का नाम क्या है। मतलब जो ओशियन का पानी होता है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज के आयन है या किस आयन है वो ज्यादा मिला हुआ होता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है सोडियम। अब देखो हमें पता है पानी में नमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो मतलब सोडियम और क्लोराइड दो चीज़ें होती हैं यही ज़्यादा होंगी। तो बेसिकली जो ओशियन का पानी होता है उसमें क्लोराइड ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब क्लोरीन, बेसिकली क्लोराइड नहीं क्लोरीन, ये आपको ध्यान रखना है कि समुद्र के पानी में जो आयन होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन के होते हैं ना कि सोडियम के। तो ये फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आया है, आपके सामने तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट आंसर। देखो बेसिकली जो ऑप्शन यहाँ पे दो ही हैं, बट ऑप्शन और भी ज़्यादा हैं कि ओनली बी या ओनली सी, या फिर है कि ए बी सी तीनों से ही है, या फिर ए सी से ही है। इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने, क्यों यहाँ पे दो ही मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शन को लेके चलना है। तो बेसिकली हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सितारे हैं वो खुद की गर्मी और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, मतलब स्टार हैं वो खुद की हीट और लाइट वो प्रोड्यूस है वो करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि तारे हैं वो ग्रहों की तुलना पे आमतौर पर बड़े होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अधिकांश ग्रहों को स्वयं का प्रकाश पैदा करने की क्षमता कैपेसिटी उसमें होती है। हम देखो एक एक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को लेते हैं कि सितारे हैं, जो तारे हैं वो खुद की गर्मी और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। देखो सन है वो भी एक स्टार ही है, तो खुद की गर्मी है और खुद का प्रकाश होता है, तो मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया पहला। तो चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि तारे हैं वो ग्रहों की तुलना में आम तौर पर बड़े होते हैं, मतलब हमेशा नहीं आम तौर पर नॉर्मली बड़े ही होते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि ये बड़े हैं, तो देखो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है वो हो जाता है। जैसे सन है वो आपको पता है स्टार है, तो वो ऑब्वियसली अर्थ से बड़ा ही है, और नॉर्मली जो स्टार होते हैं वो ग्रहों की तुलना में बड़े ही होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या है कि अधिकांश ग्रहों को स्वयं का प्रकाश पैदा करने की क्षमता कैपेसिटी उनमें होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि सन है वो सॉरी जो स्टार होते हैं वो भी बेसिकली अपनी खुद की गर्मी है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ग्रह नहीं करते। अर्थ भी ग्रह है तो खुद की लाइट थोड़ी पैदा करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है वो हो जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है बेरिंग स्टेट के बारे में, कि बेरिंग स्टेट है वो कौन से दो महासागरों को या कौन से दो समुद्रों को कनेक्ट है वो करती है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेरिंग स्टेट या बेरिंग जलसंधि है वो है कहाँ पे।
तो बेरिंग जल संधि हम बात करें तो देखो एक साइड तो रसिया फैला हुआ है, आपको बता दूं आप, जैसे ये रसिया वाला एरिया हो गया, यहाँ पे जापान वगैरह हो गया, तो ये वाला एरिया जो रसिया वाला इधर वाला हिस्सा होगा ये, और इधर आपको पता है कि अलास्का है यूएसए का हिस्सा, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से है। तो जो अलास्का और रसिया के बीच वाला जो हिस्सा है, जो स्टेट है इस पतला सा जिसको आप ये बोल सकते हो, ये है बेसिकली बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट है वो आपको पता है कि ऊपर तो क्या है आर्कटिक ओशियन है और नीचे क्या है पैसिफिक ओशियन, मतलब बेरिंग स्टेट है वो आर्कटिक ओशियन और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट है वो करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। यहाँ पे भी वही है कि स्टेटमेंट तीन है तो उस तरीके से आपको आंसर देना है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट अटलांटिक तक खुलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अटलांटिक के तट रेखा में बहुत से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि यह प्रशांत और दक्षिण महासागरों के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। देखो ये क्वेश्चन आपको बताना है ज्योग्राफिकल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेसिस है, आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सोचिए और आराम से इसको आप अटेम्प्ट है वो यहाँ पे कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है कार्बन फुटप्रिंट को लेके। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन फुटप्रिंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि एक कार्बन पदचिन्ह या कार्बन जो फुटप्रिंट होता है वो किसी गतिविधि के जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव का अनुमान है वो करता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि कार्बन फुटप्रिंट है उसकी गणना केवल CO2 उत्सर्जन के अनुमान के आधार पर की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि आज की तकनीकी विकास और गणना के जो तरीकों की सहायता से इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो सटीक होती है, मतलब एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है वो होती है। देखो पहले स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट होता है उसकी हेल्प से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पे अनुमान हम चेक करते हैं कि कितना जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कार्बन फुटप्रिंट की हेल्प से हम यही काम करते हैं, तो मतलब आंख बंद करके पहला स्टेटमेंट आप सही कर सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट है कि कार्बन फुटप्रिंट की गणना केवल CO2, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है केवल और CO2, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि केवल CO2 नहीं है, CO2 का तो इसमें चेक ही नहीं किया जाता है, इसमें चेक किया जाता है NH3 अमोनिया को बेसिकली, तो यहाँ पे CO2 तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ओनली दिया हुआ है स्पेशली, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि आज की तकनीकी विकास मतलब आज का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग ये इसकी कैलकुलेशन काफी सटीक होती है, यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट होता है इसे कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है वो हो जाता है। अब यहाँ पे हमें सही स्टेटमेंट पूछा है इसका मतलब ओनली वन है वो यहाँ पे सही की स्टेटमेंट है वो हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड है वो गलत है। अब देखो यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी की बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देती है। यूपीएससी क्या पूछ देती है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन फुटप्रिंट एंड चूज द रॉन्ग आंसर, या आप उससे पूछ सकती हैं कि रूल्स है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ सकती है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट के मामले में हमें क्या है जल्दी से ध्यान रखना कि पूछा क्या है। सबसे पहले हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है कि भाई हमें पूछा क्या गया है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात चल रही है, पूछा आखिर है क्या वो तो हमें पता होना चाहिए। अगर उसने पूछा हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हम करेक्ट को एग्जाम में टिक मार कर क्या रहे हैं, मतलब हम जो क्वेश्चन हमारे को आ रहा है उस क्वेश्चन को हम गलत करके आ रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी आप सोल्व कर रहे हो चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो तो उसमें इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन की डिमांड सेट गया है, क्वेश्चन पूछ आपसे कुछ और है और आप कुछ और बता रहे हो, इसका मतलब तो आप आंसर गलत कर रहे हो ना। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट दिए गए होते हैं उनको आप एक बार पूरे पढ़िए। जैसे कई बार क्या होता है कि आंसर हम जब भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यार पहला पहला ही इसका आंसर हो रहा है, बट फिर भी हमें सेकंड और थर्ड पढ़ने चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बहुत कुछ मिल जाता है, आप बोल सकते हो कि फोर्थ स्टेटमेंट भी हो या फिर फोर्थ ऑप्शन भी हो, तो उनकी तरफ हमें जाना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम में और वहीं हमें बेसिकली मार है वो खा जाते हैं। देखो जो काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चे उनको सही करते हैं, अगर वही हम गलत कर देते हैं ना इसका मतलब क्या हुआ, हम एवरेज से भी पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये फैक्ट हमें ऐसी चीजें हैं वो ध्यान में रखे हुए आगे बढ़ना है। एक्चुअली आज थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो अभी पहुंचा हूँ, तो मैंने डिस्कशन लेक्चर प्रिपेयर किया है, तो जो आज का करंट अफेयर था यानी कि 20 नवंबर का जो करंट अफेयर था वो कल के लेक्चर के साथ सुबह अपलोड है वो कर दिया जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन सीरीज, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।